ऑलराइट, हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ हेल्थ की बात अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ पीहू और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर खुशबू सक्सेना, कंसल्टेंट पल्मोनरी एंड स्लीप मेडिसिन. वेलकम टू द शो मैम. थैंक यू सो मच पीहू. सो हाउ आर यू लाइकिंग दिस एज अ कॉन्सेप्ट कि हम हेल्थ की बात लेकर आए हैं अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ, बिकॉज कई सारे मिथ्स बस्ट हो रहे हैं इससे. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम कुछ मिथ को बस्ट कर सकें और कुछ नई चीज़ें और नई बीमारियां जो बहुत कॉमन है सोसाइटी में उनके बारे में हम कुछ नॉलेज दे पाएँ. डेफिनेटली. तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को बताएं आपके बारे में और आपके डिपार्टमेंट के बारे में. सो आई एम वर्किंग हियर एज अ कंसल्टेंट इन पल्मोनरी एंड स्लीप मेडिसिन. जैसा आपको बताया, मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पल्मोनरी के सारे ही प्रॉब्लम्स जैसे कि निमोनिया, लंग में इन्फेक्शंस या लंग में कैंसर या स्मोकिंग एडिक्शन, स्मोकिंग सीजेशन एंड प्लूरा जो लंग के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फेक्शंस या उसमें पानी भर जाना, हवा भर जाना, ये इस तरीके की कई सारी बीमारियां जिनको डील करते हैं. व्हाट मेक्स अवर डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव इज दैट कि हम एक्सक्लूसिवली सारे स्लीप डिसऑर्डर्स को भी डील करते हैं जिनमें एक्सेसिव स्लीप या इंसोमिया या सर्कैडियन रिदम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या अगर एबनॉर्मल मूवमेंट है ड्यूरिंग स्लीप उनको भी हम डील करते हैं. अदर देन दैट आवर डिपार्टमेंट इज़ वेरी वेल इक्विप्ड विद इंटरवेंशन व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी टू यू नो डायग्नोज एंड ट्रीट वेरियस डिसऑर्डर्स. वंडरफुल वंडरफुल. तो अगर मैं बात करूँ पल्मोनोलॉजी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए तो मॉनसून में यू नो कितना ज़्यादा वल्नरेबल कोई हो सकता है उनको लेकर? बेसिकली जो भी सांस की प्रॉब्लम है जो हमारे डिपार्टमेंट में मैक्सिमम आती हैं वो एलर्जी और अस्थमा से रिलेटेड होती हैं, इनफैक्ट स्मोकिंग से रिलेटेड होती हैं. तो ये जो एयरवे का प्रॉब्लम है ये काफ़ी बढ़ जाता है विद द सीजनल वेरिएशन. ऑल्सो ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं इनकी प्रोपेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सडनली विद द वेदर चेंज. तो कई तरीके के फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस और अस्थमा का एग्जैसरबेशन, ये सारे प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी वजह से सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का होना, ये सारे प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़े हुए होते हैं. इसके अलावा जो ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये भी इवेंचुअली कभी ना कभी लंग्स को अफेक्ट करते हैं. तो दीज ऑल कॉजेज प्रॉब्लम इन द एनवायरमेंट एंड सो विद द लंग्स. तो क्या कौन से वो फूड या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो आप रेकमेंड करेंगे जिससे कि हम सभी यू नो हेल्दी रहें? अगर कोई एस्थमेटिक है, नॉन एस्थमेटिक है और अगर वो कोई दवाई लेते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है, तो आई विल रेकमेंड कि हर किसी को अपना जो मेंटेनेंस इनहेलर्स हैं सीओपीडी और एस्थमा के पेशेंट्स को स्पेशली, वो उनको कंटिन्यू करने हैं. ह्यूमिडिटी अवॉइड करनी है, क्राउडिंग अवॉइड करनी है. डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर फ्लू शॉट. फ्लू शॉट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन. ये इसके स्ट्रेन हर साल चेंज होते हैं. सो फ्लू शॉट इज़ अ मैंडेटरी थिंग विच विल प्रिवेंट यू फ्रॉम द सीरियस पल्मोनरी इन्फेक्शन लाइक स्वाइन फ्लू एंड ऑल. इसके अलावा हैव अ बैलेंस्ड डाइट, हैव अ रेगुलर स्लीप, गुड स्लीप, ट्राई अवॉइडिंग आउटसाइड फूड. दैट इज आई थिंक सारे डॉक्टर्स लाइक सेम. डेफिनेटली फ्लू शॉट्स आपने मेंशन किया, ये क्या है और यू नो किसके लिए रेकमेंड कर रहे हैं आप? ये 2 साल से ऊपर के सारे पॉपुलेशन के लिए है. इट इज़ जस्ट अ स्मॉल इंजेक्शन गिवन इन योर आर्म. इसमें 4 strains होते हैं, H1N1 एंड H2N5. तो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट, सीवियर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं और जिनको भी लंग्स से रिलेटेड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये मैंडेटरी होते हैं. ओके. ऑलराइट. सो अभी मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि कितना वेल इक्विप्ड है हमारा डिपार्टमेंट, कौन कौन से एडवांस ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज अवेलेबल हैं? बेसिकली पल्मोनरी मेडिसिन में 4 sub streams होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं बट ब्रॉडली 4 sub streams होते हैं. कोर पल्मोनरी मेडिसिन होता है, सेकेंड इज़ योर लंग फंक्शन टेस्ट, थर्ड इज़ योर इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी. सो वी हैव अ गुड, वेरी गुड लंग फंक्शन लैब एंड हमारे पास एक इंटरवेंशन पल्मोनोलॉजी के लिए एक बहुत एडवांस ब्रोंकोस्कोप एंड थर्कोस्कोप एंड नाउ वी आर गेटिंग एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड एज वेल. सो वी आर वेरी वेल इक्विप्ड विद दिस. द थर्ड स्ट्रीम इज क्रिटिकल केयर यूनिट विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वेल इक्विप्ड. वी हैव मोर देन 100 beds फॉर क्रिटिकल केयर एंड वेरी वेल इक्विप्ड ICUs. एंड फोर्थ एंड लास्ट इज एंड मोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर द हॉस्पिटल एंड द सराउंडिंग सिटीज
that we have a very good, best, in fact, I would say, sleep lab, where you can get your sleep disorders diagnosed very well. Interesting. तो मुझे लगता है कि जो भी आपके सवाल हैं अगर वो रह गए हैं तो सुना करें आप हर शनिवार सुबह 9 से 11 हेल्थ की बात अपोलो सेज हॉस्पिटल्स के साथ, जहां पर आपके हेल्थ से जुड़े हुए कई सारे सवालों के ऐसे ही यू नो कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं जाते जाते. आपका क्या मैसेज होगा सभी के लिए? मेरा यही मैसेज है कि हेल्दी रहिए, स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड कीजिए, एडिक्शंस को अवॉइड कीजिए, लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्टे हेल्दी.